राजधानी दिल्ली से यहां के छह जगहों पर सीबीआई की छापेमारी चल रही है। डॉक्टर तरुण के खिलाफ ये छापेमारी हो रही है। डॉक्टर तरुण फिलहाल निदेशक हैं मिशन यहां पर दिल्ली सचिवालय समेत छह जगहों पर छापेमारी हो रही है। डॉक्टर तरुण पहले स्वास्थ्य विभाग में सचिव थे, उस वक्त करीब 10 करोड़ का फर्जीवाड़ा हुआ था। तो छह जगहों पर सीबीआई की इस वक्त छापेमारी हो रही है। 10 करोड़ के फर्जीवाड़े के मामले में यह छापेमारी हो रही है और दिल्ली सचिवालय समेत छह जगहों पर यह रेड डाली गई है। निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने का आरोप यहां पर लगा है। 10 करोड़ का पूरा घोटाला और इसी पूरे मामले में दिल्ली की छह जगहों पर छापेमारी इस वक्त हो रही है। सीबीआई रेड चल रही है छह जगहों पर, दिल्ली सचिवालय में भी ये रेड पड़ी है। तो ये खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है राजधानी दिल्ली से। दिल्ली सचिवालय समेत छह जगहों पर छापेमारी हो रही है। सीबीआई की ओर से ये छापे मारे जा रहे हैं, ये रेड पड़ी है छह जगहों पर और 10 करोड़ के फर्जीवाड़े के मामले में ये छापा पड़ा है, ये छापेमारी हो रही है। तो दिल्ली सचिवालय समेत छह जगहों पर ये छापेमारी का सिलसिला जो है वो फिलहाल जारी है। तो दिल्ली सचिवालय में भी छापेमारी हो रही है, इसके अलावा 5 और जगहों पर, यानी कि कुल 6 जगहों पर इस वक्त सीबीआई ने रेड डाली है। 10 करोड़ के फर्जीवाड़े का ये पूरा मामला है और इसी फर्जीवाड़े में ये रेड हो रही है। कागजात खंगाले जा रहे हैं और तमाम जाँच हो रही है। सीबीआई की टीम 6 जगहों पर इस वक्त मौजूद है दिल्ली में, दिल्ली सचिवालय में भी एक टीम मौजूद है सीबीआई की। तो 6 जगहों पर सीबीआई की छापेमारी, 10 करोड़ के फर्जीवाड़े के मामले में छापा पड़ रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता मनीष शुक्ला का। मनीष, क्या जानकारी मिल पा रही है इस छापेमारी से जुड़ी हुई? देखिए, दिल्ली दिल्ली सचिवालय के सहित 6 जगहों पर सीबीआई की छापेमारी चल रही है। हाँ। और ये जो सीबीआई के सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि डॉक्टर तरुण के खिलाफ सीबीआई की ये छापेमारी चल रही है। डॉक्टर तरुण फिलहाल निदेशक हैं मिशन के और डॉक्टर तरुण पहले स्वास्थ्य विभाग में सचिव थे और यही वजह है कि स्वास्थ्य विभाग में छापा मारा जा रहा है। और इस तरह का आरोप है कि डॉक्टर तरुण जब स्वास्थ्य विभाग में सचिव थे तो उस वक्त करीब 10 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा किया गया था और एक निजी कंपनी को नियम और कानून को ताक में रख के फायदा पहुंचाया गया था। हाँ। और यही इसकी जांच सीबीआई कर रही थी और इसी क्रम में पुराने मामले को लेकर सीबीआई जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष। इसके अलावा क्या यह जानकारी मिल पा रही है कि इन 6 जगहों के अलावा कुछ और जगहों पर छापेमारी हो सकती है और कितनी देर में यह छापेमारी का सिलसिला खत्म होगा, इसके बारे में कोई जानकारी? तो दिल्ली सचिवालय समेत 6 जगहों पर छापे पड़े हैं, 6 जगहों पर यह सीबीआई की रेड पड़ी है जिसमें दिल्ली सचिवालय में भी छापा मारा गया है। तो 10 करोड़ के फर्जीवाड़े का यह पूरा मामला है, 10 करोड़ के फर्जीवाड़े से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला और 6 जगहों पर फिलहाल छापेमारी का सिलसिला यहां पर चल रहा है। निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने का आरोप यहां पर लगा है और 6 जगहों पर इस वक्त छापेमारी खबर आ रही है। कुछ और जगहों पर भी छापा पड़ सकता है लेकिन फिलहाल जो जानकारी हमें मिल पा रही है उसके हिसाब से दिल्ली सचिवालय समेत 6 जगहों पर इस वक्त दिल्ली में छापा मारा गया है। एक बार फिर से रुख करते हैं, फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे सहयोगी मनीष शुक्ला। मनीष, ये क्या जानकारी मिल पा रही है कि ये कब तक छापेमारी का जो सिलसिला है खत्म होगा या कुछ और जगहों पर भी छापे पड़ सकते हैं, क्या कुछ पता चल पा रहा है? देखिए, सीबीआई इस मामले में 6 जगह छापेमारी कर रही है। हाँ। और जो डॉक्टर तरुण है उनके खिलाफ ये छापेमारी है और डॉक्टर तरुण के खिलाफ ये आरोप है कि जब वो स्वास्थ्य विभाग में सचिव थे तब उन्होंने नियम और कानून को ताक में रखते हुए एक निजी कंपनी को फायदा पहुंचाया था। 10 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े का आरोप है डॉक्टर तरुण के ऊपर और यही वजह है कि सीबीआई की जो टीम है वो दिल्ली सचिवालय के स्वास्थ्य विभाग पहुंची है और वहां पे जांच कर रही है कि जो पुराना 10 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़े का आरोप है उसमें मामले में छानबीन कर रही है। और सूत्र ये भी बता रहे हैं
कि दिल्ली सचिवालय सहित टोटल छह जगह पर सीबीआई की टीम छापेमारी कर रही है, जिसमें डॉक्टर तरुण के एक या दो से ऑफिसेज हैं और संबंधित जो इस मामले में हैं आरोपी हैं उनके उनके यहाँ भी छापेमारी चल रही है। फिलहाल ये छापेमारी जब अमूमन सीबीआई करती है तो छह से सात घंटे छापेमारी जरूर चलती है सीबीआई की, तो यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि एक लंबा वक्त अभी लगेगा। सीबीआई ने चूंकि छापेमारी की है तो जब तक उनको कोई दस्तावेज इस तरह के नहीं मिल जाते हैं तब तक एक उम्मीद जताई जा रही है कि छापेमारी चलेगी। जी बिल्कुल मनीष, इसमें छापेमारी का ये सिलसिला चल रहा हो, जैसा कि हमारे सभी को बताएंगे लगभग 6-7 घंटे तक ये जो रेड है वो पड़ सकती है। कागजात इस दौरान वहां पर छाने जाएंगे, दस्तावेज यहां पर देखे जाएंगे। 10 करोड़ के फर्जीवाड़े का ये पूरा आरोप लगाया डॉक्टर तरुण पर। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए यहां पर मनीष। तो दिल्ली सचिवालय समेत छह जगहों पर यह छापेमारी का सिलसिला इस वक्त चल रहा है। इधर छत्तीस